सहारनपुर में देवबंद देवी कुंज मंदिर के पीछे कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार पर आसमानी बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई तो एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मिर्जापुर जिले के नारायणपुर में स्वराज मंच के तत्वाधान में महात्मा संतराम बीए की 132वीं जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि परिवहन आयुक्त चुन्नी लाल प्रजापति ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा शेर का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। साथ ही कहा कि आर्थिक समानता के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, लेकिन इस बीच मुख्य अतिथि माल्यार्पण के समय अपने जूते उतारना भूल गए। वहीं इस पर उनका कहना था कि कोई जरूरत नहीं है जूता उतारना, सब ऐसे चलता रहता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में आगरा का लाल भी शहीद हो गया। शहादत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिचित और रिश्तेदारों का घर में तांता लगा हुआ है। बेटा कौशल कुमार की शहादत की खबर सुनकर मां और पिता का रो रो का बुरा हाल है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही शहीद कौशल छुट्टी खत्म करके वापस ड्यूटी पर गया था। बात हुई थी दोपहर को, फोन किया था जम्मू पहुँच गया हूँ, तो मैंने भी ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। आपने कि नहीं अभी हम नीचे ही हैं, ऊपर नहीं गए ड्यूटी पर, क्योंकि वहाँ पर भी रास्ता बंद है। कल रास्ता क्लियर होगा जब हम पहुँच जाएंगे, तो मैं वहाँ की सिम लेकर जब घर बात करूँगा। तो मैंने ठीक है किसी दोस्त के फोन से फ़ोन किया था उन्होंने कहा। मामला हरदोई का है, जहां बाइक में ट्रैक्टर के चक्कर लग जाने से नाराज ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक को दौड़ाया और करीब 10 किलोमीटर तक दौड़ाने के बाद पीट पीट कर मार डाला। मामले में 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिनमें से 3 को हिरासत में ले लिया गया है। और वहां मौके पे जो साइकिल सवार के दो जाने वाले थे, उन्होंने उनके घर वालों को सूचना कर दी कि इस ट्रैक्टर से घटना करके वो व्यक्ति भाग रहा है। जो अब तक की सूचना प्राप्त हुई उसके हिसाब से उन लोगों ने उसको चेज किया उसके ट्रैक्टर को, और हरपालपुर थाना क्षेत्र में उसको वहाँ पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की। मारपीट में आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसमें मौके पे तमाम अधिकारी मौजूद हैं और वो लोगों से पूछताछ करके जिन्होंने घटना की उनके लाभों को ज्ञात किया जा रहा है, और मृतक के परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा कायम करके उस पर कार्रवाई की जाए। अंबेडकर नगर से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसमें एसडीएम के स्टेनो का खुलेआम घूस लेते वीडियो वायरल हुआ है। भ्रष्टाचार में एसडीएम तहसीलदार समेत राजस्व कर्मियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के खिलाफ कई दिन से अधिवक्ता इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार ने इसके विरोध में कोई कदम नहीं उठाया।